ये करहा लदेने के है। अच्छा, इनके बस का कोई पिंगुलगढ़ नहीं है। फिर एक तरकीब मैं चल लिए बताता हूँ भैया, तरकीब बताओ जिससे कि मेरा गोना हो जाए। तरकीब मेरी दौड़ है तेरी, जो का करहा तेरो आओ दे दे। अच्छा, कोई करहा हमारे दैजे में भी आया है। अच्छा भैया, पर वह भूलन पे जाए, पाही करहा के पहुंच जा पातले। मेरा भैया तेरो देवो कौन वातन बाए बेटे। मेरा भैया चलो चलियो जग में, नामो नाम जा जग भारत में। और भैया हमारे लिए तरकीब बताओ फटाफट। कहिए भैया, हमारे बस की तो कोई बात नहीं। तो कोई तरकीब हो तो जो आप कहते हैं कि करहा तुम्हारे दहेजे में आया है। करहा तेरो आओ दहेजे में। अच्छा, अच्छा जो आपका कहना है कि जो घूरों पे करहा निवास करता है वो मेरा गोना करवा सकता है, तो आप बैठिए। तो करहा कहने लगे, अरे सुनो हमारे भैया, अरे सुनो हमारे भैया, ये कोनो तेरे, अरे करवा दे वो भैया भग भूरी को छैया। ढोला ने न दे लगाई, अब मिनटे गुजरी, अरे तीन सीम, अरे घूरन की जाए तो दवाई। अरे भक का भूरी को बैठो का जलिया तमें, भक का भूरी को ये ढोला करहा के पहुंच गो गंगा पास। नजर उठा के देखता है आज 16 साल में ढोल कुमार की सूरत आज देखने की। भैया राम राम। राम राम भैया। इस समय ढोल कुमार पहुंच जाता है, कान हिला के कहिए करहा, आपके लिए 16 साल हो चुकी। उम्र तेरे लिए खबरिया ना, अरे रा
घूरन पे मैं पलूं। अच्छा भैया तेरी रानी को आदे अच्छा एक कोरी टूटे साज की अच्छा ए मोबे भाई मेरे तुम की आयन अच्छा मेरे स्वामी मोबे वो ठोना बैठो जा तो राम जा शेर नलो बर में भाई साहब एक बात सुनो आज हमारा मतलब है और हम मतलब से आए हमारा गौना करवाओ क्या गौना शेर पंगुल से शेर पंगुल से भैया शेर पंगुल साठ से दो से मैं कैसे पहुंच सकता हूँ मुझ पे उठा बैठा नहीं जाता क्यों उठा बैठा क्यों नहीं जाता ढोल कुमार निराश हो गए तो करा कहने लगा ढोल भैया सुनो एक बात सुनो जब आप कहते हैं कि मुझ पर उठा बैठा नहीं जाता और रानी मार रेवा एक कोरी हरियाला बांस सुबह को तुलवाती एक कोरी शाम को अरे तेरे कहने का बोल निराला अरे कर हाँ तेरे कहने का बोल निराला और चल गोना मेरा करवा दे तुझे कौन मारने वाला पहुंचे धन मारू से मोको चल के यार में रहिए तेरो मानंगो में एहसास अरे यार भका भूलिया बारे दादा ते पिंगुल में पहुंचाए ठंडो नीरा बाधन मारू को और हाथन को पिला मेरे यार मैं जा दिन पानी अरे हाथ मारू को मेरे दादा ताई दिना शीतल होंगे शरीर यार बा करते गुलाम है ये सबे ढोल कुमार से करा इनकार कर देता है और ये 20 रुपया चौबीस साहब वीरेंद्र सिंह ठेकेदार ये दूध पीने के लिए देते हैं और इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और क्या भैया वीरेंद्र सिंह ठेकेदार की मुरली पड़ कर गई रे सभा में हार भैया सुनो और ताल बिगाड़ जैसे कह रहे हैं कि छोटे लाल ना हो अब सुनो अरे नेक सुनो तुम बैठ यारो ताल बिगाड़ अरे देर काई ने यारो पगलन डाले अरे पक्ष बिगाड़ भैया सबा रे बिगाड़ी रे मोदे खनने के चुगलन डाले अरे काम रे बिगाड़े यारो जाना बिगाड़े दे तेरी अनुले यारो कर कर जो बन की अरे झनकार सो सुर छनरिया अरे ना जन बते के ना पति विरता अरे मोल रे बिकाए बोलिया मातरे मलंदे जाए जुआ तीन दिना कुमो खाली कर दे
करो विश्राम। अब तुम सुन रे हमारी दादा बानी, अब तुम सुन रे हमारे ओरे भैया, कर हाथ में बतला रहो दहमंती को छैया। कहिए यार हमारी तो एक काम का ज्यादा है, तो ही बातें मत बता रहे हमारे तो गोना करवा सकता हूँ, गोना है जाए। फिर ऐसा मैं सज के पिंगुल से आया था। अच्छा आपको सजाइए न सुने मेरे ऊपर भले आदमी भैया के जैसे तुम्हारो सिंगार हो, तो क्या क्या सिंगार है आपका? मेरा सिंगार सुनिए बताइए। डारी पाकर बन्ना तन की धरती लाल बनने जाई, कोट जाई की खितवा दई, चुन्नी कोर दही लगवाई, डाल भोंकरू बंद कर हाके और मनिहारी कहिए जंगई, सच्चे मोती की झाल रहे चौंदा बहुत दूर तक जाई। बहुत अच्छे अच्छा। अरे सोने में तो मेरी नकेला मलबा, अच्छा सोने में नकेला मरी हुई कांटिया धरो सोने। इतना सिंगार वो है कहाँ? और ये कसवा मालपुर की तरफ से चौधरी साहब ताराचंद, ये 20 रुपया हमारे लिए दूध पीने के लिए देते हैं, और उनका कहना है बात बनाई से बनाई हमारी छाप आराम में लगी जिस समय, और मलखान ने पारस के लिए मार दिया, और तब चंद्र कभी पृथ्वीराज घबरा जाते हैं क्योंकि बेटा की चोट बहुत बुरी होती है, तो घबरा जाते हैं, तब चंद्र कभी समझाने लगे और कहने लगे जो जो मैंने आज तक बातें नहीं देखी वो आज देखने के लिए मिल रही है। वो कौन कौन सी बातें थी? मैंने से तबरन रे का गाना है देखे, सफेद रंग के कौवाओं के लिए आज तक नहीं देखा, और हंसन लखे अरे ओला बत छार, यरो लाना पिछल तरे अबिलाना देखी, ते सरगन लखिया रे चढ़त जलधार, और सतते बिगत रे सूर्य नाय देखे, के क्षत्रिय नाय रे लखे कदरात। और कहने लगे यारो सोचो करत राजा ना देखे, तुम्हार सोनिया करो रे असंभव बात, तुम्हारा तो पारस कोई चीज नहीं था, यहाँ बड़े बड़े वीर प्रगटे अरे भारत में, यारो सब याद हूँ मेरे गए समय, धाकी रे अमरता को उसको जके रेण और भांग, फिर
कहना था कि शब्द भेद की कैसे खन लगो सरसमा जवान चंद्र कबीर आए के ने लागे मार्ग ने तो करे नहीं मलिखाने जैन लगे राजकुमार मेरो सिंगर तेरी रानी रे बाबे भैया मेरे स्वामी रानी जैसे किया सिंगार राम तुय शरण रो बन मेरी सहज गौनवा नहीं होगा क्यों के वहां पर बारामर रहते हैं अच्छा और रानी मारू के कारण अच्छा आ जाएगी पिंगुल मेरे तलवार अच्छा मुझसे अरे कन्हैया राजा पिंगुल मेरे तलवार बारा मलवा रेत पिंगुल में मेरे स्वामी सुन ले राजा नल के लाल पीर में तो समाज हेलो यानी भारामल हमारे साड़ू रहते हैं वहाँ लड़ाई भी हो सकती है उसके कारण राजा भारामल रहता है पामरगढ़ में बाज रहा अरे ढोला के नाम का डंका और मरंजियन की ढोल कुमार को बिल्कुल ना है संपा भारा मल की अरे असल रह कहा है बामन करके अरे बामन राजा जाके पहुंचे बासर पिंगुल में मारू के कारण में करत उसे ललंगो इरा शंका करो रे काल की मेरे मारे नर्मल हाले अरे हाले काबुल और कंधार और तख्त आगरे को हालत वे दहली दह दह रह जाए भोले छोल भजे कैलाश में असल समझो काहू राजा किरम मारो लाखन में तलवार